तो क्या हाल चाल है। वैसे मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं टेक ड्रोइड हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि इस वीडियो को देख लोगे ना तो यार जो फोटोशॉप जो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जो करते हो ना वो अपने फोटोशॉप अपने फोन से कर पाओगे। और वो भी कंप्यूटर में तो चलो यार माउस लगाओ कीबोर्ड लगाओ घंटों तक टिक करो मार्क करो उसके बाद जो आपको जो है मेंटेनेंस करना पड़ता है तब आपका फोन जो है रिजल्ट में लास्टली जो आपका जो आउटपुट है वो आपको मिलता है फोटोशॉप में। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वो सारे काम अपने फोन की मदद से जो है आसानी तरीके से फोटोशॉप वगैरह कर सकते हैं वो भी कुछ देर में तो आप बिलीव नहीं करोगे। आज के इस वीडियो को इस पूरी देखते रहना ठीक है। और यार यहां पे देखो ये मैंने बिफोर आफ्टर ये देखो ये नॉर्मली मैंने अपने घर में लिया था फोटो फोन से ठीक है। और इसको मैं देखो मैंने एक क्लिक से ज्यादा दो तीन क्लिक के अंदर मैंने इस तरह से बना दिया। और यहां पे देखो एक्यूरेसी यार ये जो कलर लगा है वो आपको थोड़ा सा भी आप पता नहीं कर सकते हो कि ये फोटो जो है मतलब मैंने इसको रिप्लेस किया यहां से उठा करके मैंने ऐसी जगह पे रख दी जैसा कि लग रहा है कि मैं सरब के बाजू में मैं खड़ा होके मैं फोटो शूट करा रहा था। तो मतलब इतना यूनिक फोटोशॉप आप कर पाएंगे अपने फोन की मदद से। सो या बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं ट्रिक की ओर। इस वीडियो को देखिए पहले यार लाइक कर देना क्योंकि यार ये वीडियो बहुत ही ज्यादा सुपर कूल होने वाली है लाइफ टाइम हेल्प करेगी आपको। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए घंटी बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना यार और इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो और भी लोग जानेंगे वो भी अपने फोन में फोटोशॉप का काम कर पाएंगे ठीक है। और कमेंट में आपको लिख देना है बेस्ट बेस्ट फोटोशॉप इन मोबाइल ये लिख दीजिए। ये लिखने में प्रॉब्लम हो तो लिख दीजिए बेस्ट फोटो एडिटिंग ट्रिक आपको लिख देना है ठीक है। बेस्ट फोटो एडिटिंग ट्रिक आप लिख दीजिए। अब चलिए बिना किसी देरी के ट्रिक की ओर चलते हैं। अपने फोन में दो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होगा। पहला सॉफ्टवेयर जो है ये मैं बता दूं ये सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होगा ये सॉफ्टवेयर इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये 2 से 3 MB का है। फोटोशॉप पीसी का जानते हो कितने एमबी का होता है 1 GB 1.5 GB 2 GB का होता है। फोटोशॉप CS6 वगैरह बहुत ही ज़्यादा यार जीबी का होता है लैपटॉप में लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए। तो देखो उस बात को दूर करते हैं चलते हैं फोन में सबसे पहले एडिटिंग हम करते हैं फोटोशॉप की तरह। सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको डायरेक्ट दिखेगा फोटो एडिट लोड फोटो करिए। और यहाँ पे दोस्तों आपको लोड फोटो में अपना फोटो सिलेक्ट कर देना है जो भी आपका फोटो है गैलरी या जहां से भी आपको सिलेक्ट करना हो वो सिलेक्ट कर दीजिए। तो मेरा फोटो जो है वो ये फोटो है दोस्तों ये देखिए ये मैंने फोटो सिलेक्ट कर दिया। फोटो सिलेक्ट कर देने के बाद सबसे पहले हमें इसे PNG में बनाना होता है। PNG बनाना मतलब फोटोशॉप के अंदर जो है किसी भी फोटो को पहले PNG बनाया जाता है उसके बाद जो है किसी भी जगह पर रख के उसमें मैचिंग वगैरह की जाती है। तो वैसे यहाँ पे देख लो साफ साफ डन करो। डन करने के बाद इसे हमें ट्रांसपेरेंट बनाना है। यहाँ पे देखो 3 फोटोशॉप का टूल दिख रहा होगा ऑटो मैजिक और मैनुअल रिपेयर। सबसे पहले ऑटो सबसे ज्यादा बेस्ट है ऑटो पे क्लिक करिए। सबसे पहले मुझे अगर हरियाली अगर रहता मेरे फोटो में तो मैं उसको खत्म करता लेकिन मुझे पहले व्हाइट वाला खत्म करना है। इसको व्हाइट को हमने खत्म किया और वाव ये देखो यहां से व्हाइट ब्लैक कर सकते हो दोनों तरीके से आप देख सकते हो। तो ये मैं देखो व्हाइट अभी अभी कैसा था मेरा ऐसा था इसके ऊपर मैंने रख दिया ये देखो खत्म हो गया बैकग्राउंड। और यहाँ पे देखो गलत हो जाए फिर इसे कर दो फिर वापस आ जाएगा। इसे देखो मैं अपने फेस पे रख देता हूँ यार मेरा फोटो मेरा फेस जो है देखो कैसा हो गया यहाँ से खत्म हो गया बैकग्राउंड इसका। तो इसको मैं वापस कर दूंगा क्योंकि मुझे गलती हो गया था मुझसे। अब इसके बाद मैजिक मिलता है मैजिक पे क्लिक करेंगे तो कभी कभी ना एज में करना होता है ना तो उसमें आपको ऐसे रख के साइड साइड लेके जाओ बाल में टच मत करना उसे दूर रखो। उसके बाद आपका फोटोशॉप वाला पूरा काम हो जाता है। ये मैजिक टूल का भी आप यूज जानगे। और फिर एक ऑटो अगर एक कलर का है फिर तो आसान है मैजिक टूल आपको तब काम देगा जब आपको जो फोटो के साइड आपके बाल के साइड में ना कुछ रहता है ना वो खत्म करने में ये देखो ये भी देखो खत्म हो गया। फिर अब ये बच गया मैजिक टूल से इसको खत्म कर देते हैं ये देखो ये खत्म हो गया ये भी। उसके बाद डन करना है डन कर दिए हो फिर सेव कर दो
सेव हमने कर दिया, बस ये देखो हमारा फोटो बस ये ऐसा बन चुका है। फिनिश हमने कर दिया, सेव भी हमने कर दिया, अब बस बैक आ जाओ। उसके बाद पिक्सआर्ट यूज करो, पिक्सआर्ट का मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पिक्सआर्ट ओपन करो, उसके बाद यहाँ पे प्लस मिलेगा, प्लस पे क्लिक करो और फिर अपना बैकग्राउंड सिलेक्ट करो। मेरा बैकग्राउंड जो है ये देखो ये है, आपका जो बैकग्राउंड है खैर वो सिलेक्ट करिए, मेरा बैकग्राउंड ये है, ये मेरा बैकग्राउंड है, मुझे इसके ऊपर अपने फोटो को रखना है। अब फोटोशॉप में यहाँ पे देखिए ये मेरा फोटो है ये वाला, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और फिर यहाँ पे ऐड है ना, ऐड करिए। ऐड कर देने के बाद ये देखिए आपका फोटो, ये देखो अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे साइड भरना पड़ेगा, अच्छे से भरना पड़ेगा। ये मैंने कर दिया, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, थोड़ा और इतना मुझे सही लगा। देखो इसको जूम भी कर सकते हो, जूम आउट भी कर सकते हो, इसे सही मत करना, पहले सब कुछ परफेक्ट हो जाए तब ऊपर में सही पे टिक करना। ये देखो मेरा मूव वगैरह, हाँ अब लगता है काफी अच्छे से हो चुका है मूव। अब यहाँ पे सही कर दो, सही कर दो। अब देखो कितने अच्छे तरीके से हमने बस एक क्लिक में वहां से मूव किया और यहाँ पे लाकर रख दिया। और यहाँ पे आपको जो है सेव करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है, ड्रॉ के ऊपर क्लिक करिए, सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। बस यहाँ पे मिलेगा ये देखिए सेव इमेज, आप फोकस हो जाओ, हाँ सेव इमेज मिलेगा, सेव इमेज कर दीजिए और बस आपका फोटो बन गया। और यहाँ पे देखो आपको ये क्रॉप करना है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ऊपर बहुत ज़्यादा लगता है, हो गया इसको क्रॉप कर दो, हाँ क्रॉप हमने कर दिया, जितना अच्छा लगे आपको उतना क्रॉप कर दें थोड़ा और, बस ये देखो अब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये परफेक्ट बैठ गया, सेव हमने कर दिया। और अब ये देखो फोटो जो हमने अभी फोटो बनाया वो कितना ज़्यादा मस्त बन चुका है, ये देखो पहले ऐसा था ना, तो अब जो फोटो हमारा बना वो देखो ऐसा बन गया, पहले ये ऐसा था, पहले ये ऊपर में देखो स्पेस बहुत ज़्यादा था, इसको मैंने थोड़ा एडजस्ट वगैरह किया, फिर देखो ऐसा हो गया क्रॉप करके। तो देखा आपने कितने आसानी तरीके से हमने जो कंप्यूटर का काम था वो हमने यहाँ पे जो है काम कर लिया, तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। फ़ोन का पावर इतना ज़्यादा यार कि कोई सब लोग जो है चौंक जाएगा, इस तरह से आप सिटी बिल्डिंग कुछ भी बैकग्राउंड में डाल सकते हैं, तो ये ट्रिक मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। खैर आपको जो है दोनों सॉफ्टवेयर का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पिक्सआर्ट तो खैर पहले से पॉपुलर है और ये जो सॉफ्टवेयर है इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, 2 से 3 MB का सॉफ्टवेयर है, इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, कमेंट में लिख दीजिए बेस्ट फोटो एडिटिंग ट्रिक, या जो भी लिखना है आपको कमेंट में जरूर लिख दें कि बेस्ट फोटोशॉप ट्रिक इन मोबाइल। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में, और ऐसे ही टिप्स ट्रिक की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। वैसे मेरा नाम संदीप है, आप देख रहे थे टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। बाय।